Lord, King of my life, I crown thee now, Thine shall the glory be, lest I forget thy thorn-crowned brow, lead me to Calvary. Lest I forget, get Lest I forget thy agony. Lest I forget thy love for me. Lead me to Calvary. <coughs> Lead me to Calvary. ਕਰੋ ਸਭ ਜ਼ੁਰਗੀ ਯਹਵਾ ਦੇਨਾਦੀ ਕਰੋ ਸਭ ਜ਼ੁਰਗੀ ਯਹਵਾ ਦੇਨਾਦੀ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮੁਕਤੀ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਾਓ ਆਓ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਆਓ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਯਸੁ ਲੈ ਗਾਓ सब जो जमीन दे हो गावन ले आओ। सब जो जमीन दे हो गावन ले आओ।, आओ एक नवा गीत हालेलुया मेरे संग मिलके गाएं गाए डबल नाइन नाइनटी नाइन यहो वराज करता है हुन लोग मनावन डर ओ करू ते बैठा है कंबे जमी थर थर कंबे जमी थर, थर। ओ ओ ते बैठा है कंबे जमी थर, थर। ਸੇਹੋਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੁਦਾ بلند ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਓਪਾਕ ਨਵਡੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਸਤਾਇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਸਤਾਇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਓਪਾਕ ਨਵਡੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਸਤਾਇਸ਼ ਕਰਨਗੇ बादशाह ते इख्तियार है दोस्त अदालत सच आए कायम की है तुइ खुदा वंदा तुइ खुदा वंदा सचे आए कायम की है ਤੁਹੀਓ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਯਾਕੂਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਸੱਚਾਈ ਤੇਨੇ ਆ ਯਹੋਵਾ ਰੱਬ ਅਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਭ ਜਾਣੋ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਨ ਸਭ ਜਾਣੋ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਨ ਯਹੋਵਾ ਰੱਬ ਅਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਭ ਜਾਣੋ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਸਤ ਕੇ ਉਹ ਯੋ ਪਾਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਰੱਬ o, rab, ke o hai. Rab. Lord, I ke khuda hallelujah bless you lord this morning i lift you up i praise you lord i pray for vipin sharma for your hand over this brother i pray for suresh kumar meena kumari from britain I pray for your hand over their lives, Lord. Bless this household. Bless their children. Bless their family. Bless everything they do, Lord. Prosper them, I pray. Hallelujah. Hallelujah. आपको मालूम बाइबल में जब वर्ड आता है जिसे प्रॉस्पेरिटी ट्रांसलेट किया गया है प्रॉस्पेरिटी मोस्टली ओल्ड टेस्टामेंट में जब ये वर्ड आता है शलाख या शलोम इस वर्ड का मतलब होता है पीस शालोम इट डज नॉट नेसेसरली मीन मॉनिटरली फाइनेंशियल ब्लेसिंग बट इट मीन्स पीस अब सुनिए शालोम का मतलब क्या है बाइबल में शालोम इज अ वेरी प्रोफाउंड वर्ल्ड शालोम बहुत डीप वर्ड है शालोम का मतलब है नथिंग मिसिंग नथिंग ब्रोकन नथिंग लैकिंग एवरीथिंग कंप्लीट एवरीथिंग परफेक्ट हाली डू शालोम का मतलब आपके जीवन में कुछ भी टूटा नहीं है आपके जीवन में कुछ भी खोया नहीं है आपका जीवन संपूर्ण रीति से मुकम्मल है योर लाइफ इज परफेक्टली परफेक्ट

आइए हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करें धन्यवाद करें खुदावन सीम सिंह को अपने लहू में छिपाइए रीमा शमीम को अपने लहू में छिपाइए मलकियत गिल को पास्टर जिंदर कुमार जॉन को अपने लहू में छिपाइए तनुजा सेठ पे दया कीजिए खुदावन अपना हाथ बढ़ाइए सुरेश कुमार मीना कुमारी गुलचंद सिंह तारा बंसल मनीषा सिंगी डेजी वी एस अजय सूरी खुदावन इन सबको आपके लहू में छिपाता हूँ हारे दया करें खुदावन एंजल सुमन पे पवित्र कौर पे अनुसूद पे दया करें खुदावन हालेलुया, आपका धन्यवाद 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 लव की जय लव की जय लव की जय लव की जय की जय लव की जय लवू की जय लव की जय आई ब्लेस यू ब्लेस यू आई थैंक यू फॉर फ्रेशियस ब्लड वट ग्लोरियस ब्लड हाल लुया शेड फॉर माई रिडेम्शन

इब्रानियों चार तेरह आर्ग्यूमेंट जो रेस्ट की है सेबित की आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि बाइबल में लगभग लगभग आई थिंक लगभग इलेवन टाइम्स से ज्यादा है जो हिब्रू वर्ड जो सॉरी ग्रीक वर्ड है सबैटस मॉस सबैटस मॉस एक बड़ी डीप कॉन्स्परेसी है बाइबल की ट्रांसलेशन में सबैटस मॉस का मतलब है सबद का दिन जिसे हम सातवें दिन खुदा ने विश्राम किया तो न्यू टेस्टामेंट में ग्रीक में वो है सबैटस मॉस जिसे समहा रोमन कैथोलिक चर्च ने वलगेट की ट्रांसलेशन में चेंज कर दिया और उसको उन्होंने कर दिया द फर्स्ट डे ऑफ द वीक सप्ताह का पहला दिन और जिसे बाद में इवेंजालिकल लोगों ने संडे मान लिया लेकिन ऐसा नहीं है ये गलत इंटरप्रिटेशन है सबैटस मॉस वर्ड है ग्रीक में जिसे द फर्स्ट डे ऑफ द वीक कहा गया है जो फर्स्ट डे ऑफ द वीक नहीं है लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इब्रानियों की पत्री मैं अभी मेरा रिसर्च मुकम्मल नहीं है तो मैं इसके ऊपर बाद में आपको मैं किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर कई महीने कई बार कई साल रिसर्च करता हूं फिर उसका प्रचार करता हूं रहे हैं आप मेरी बात तो मैं आपको एक वचन देना चाहता हूं uh, अगर आप इब्रानियों की पत्री पढ़ेंगे इब्रानियों थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर तो खैर मैं एक वचन आपको देना चाहता हूँ इब्रानियों चार की ग्यारह में अस देयर फोर इब्रानी चार की ग्यारह लेटस देयर फोर स्ट्राइव टू एंटर दैट रेस्ट सो दैट नो वन में फॉल शॉर्ट बाय द सेम सॉर्ट ऑफ डिसबीडियंस देखिए क्या कहता है इब्रानी लिखने वाला <coughs> आइए हम यतन करें कि उस शबद के अंदर घुस जाए आले जो शबद हमारे लिए है <coughs> उस शबद के अंदर घुसे वो क्या कहता है और कहता है दैट नो वन मे फॉल शॉर्ट बाय द सेम सॉर्ट ऑफ डिस पुराने ऐदनामे में हाँ, सुनिए पुराने ऐदनामे में वो पूरी पूरी की पूरी कौम जो थी जो मिसर में से निकली देखिए वो बर्रे के खून के द्वारा छुड़ाई गई थी पूरी कौम ने अपने घर की चौकटों पे बर्रे का बेअब लहू लगाया और जो मौत थी वो पीशाक कर गई जिसे हम फसा कहते हैं वर्ड है पीशाक जिसका मतलब है जंप कर जाना जैसे आपके घर के ऊपर से मौत जंप मार के चली गई बायपास कर गई पी शाख वर्ड जिसे फसा कहते हैं उसका यह मतलब है मौत बाईपास कर गई बर्रे के खून के कारण और यहोवा ने इन्हें छुड़ाया बहुत बड़े हजूम को उनके ऊपर यहोवा परमेश्वर जलाल के बादल का साया बना आग का खंबा बना अब्दी चटान उनके बीच में भेजी जो उड़के चलती थी जिस चटान का नाम है खुदावंद और ब्रेक ऑफ द डे पे खुदावंद मन्ने की बारिश करता था साम खुदावंद की हजूरी का एक जलाली दूत उनके आगे आगे चलता था तो भी उस सारी कौम को उसने अपने आराम में दाखिल होने नहीं दिया देखिए दे ऑल डाइड खुदावंद कहता है तुम्हारे बाप दादाओं ने उजाड़ में स्वर्ग से उतरता हुआ मन्ना तो खाया लेकिन वो सब मर गए और उन सब की कब्र भी अबान में बनी है तो मैंने इब्रानियों पे आपको कई बार पहले भी मैसेज दिया है। इब्रानियों की पत्री किताब वार्निंग से भरी हुई किताब है वार्निंग हालेलुया किससे भरी हुई किताब है वार्निंग खुदावंद वार्निंग दे रहा है अपने कलाम में और मैंने एक बार आपको केवल वार्निंग के ऊपर मैसेज दिया था कि कितनी वार्निंग है खुदावंद के कलाम में अब सुनिए मैं एक वचन देता हूं आपको एक्सक्यूज में दूसरा तिमो में इसमें सेकंड तिम चैप्टर नंबर थ्री दूसरा तिम उसका दो अध्याय उसका दूसरा तिमती सेकंड सेकंड तिमथी थर्ड चैप्टर दूसरे तिमथी का थर्ड चैप्टर और उसका सोलह वचन सेकंड तिमथी थ्री सिक्सटीन सुने ऑल स्क्रिप्चर इज ब्रीद आउट बाय गॉड एंड इज प्रॉफिटेबल फॉर सबसे पहले तो ये सॉट आउट करें पूरे का पूरा जो कलाम है जो आपको दिया और मुझे दिया यह ने जिसे बाइबल का नाम दिया गया क्या लिखा है यहां पे ऑल स्क्रिप्चर इज ब्रीद आउट बाय गॉड इट इज द ब्रेथ ऑफ गॉड ये कलाम जो बाइबल आप अपने हाथ में पढ़ रहे हो ये असल में रूह है ये असल में विंड है हवा है लिखा है ऑल स्क्रिप्चर इज ब्रीद आउट बाय गॉड यहोवा ने ऐसे करके फूक मारी है किन पे चालीस मुख्तलिफ लोगों पे। जब यह ने ऐसे अपनी फूक मारी उनके ऊपर तो उनके ऊपर कलाम नाजिल हुआ ये कलाम उतर आया और वो कलाम लिखने लगे दिस इज द ब्रेथ ऑफ गॉड जो वर्ड है यहां पे ग्रीक में वो है थियस नस्टस थियस का मतलब खुदा परमेश्वर और नस्टस का मतलब होता नथने ये जो आपकी दो नाक की सुराख है इनमें से सुस निकली है खुदाबंद की यह है कलाम ये बाइबल ये कोई मजहब की किताब नहीं है इसके अंदर मजहबी अक़ीदे नहीं लिखे हुए हैं इसके अंदर रीति रिवाज परंपराएं नहीं लिखी हुई इसके अंदर धार्मिक डॉक्ट्रिन नहीं है, ये खुदावंद यहोवा की सांस है श्वास है हाल आज भी खुदावंद अपनी श्वास हमारे ऊपर भेजता है जब हम कलाम पढ़ते हैं तो कलाम जिंदा हो जाता है बिना खुदावंद की सांस के रूल कदस के पाक पाक पवित्र आत्मा के आपको कभी कलाम समझ में नहीं आ सकता <coughs> रूल कुदस ही से सिखा। तो क्या लिखा है इट इज नस्टस खुदावन की सांस है और क्या लिखा है एंड सुने इज प्रॉफिटेबल और इसका प्रॉफिट क्या है फायदा क्या है ये सिखाने के लिए है यह सिखाया सिखाने के लिए आपको कलाम सिखाया जाए उसके लिए फॉर रिप्रूफ रिप्रूव समझते हैं ताड़ना के लिए लोगों की कटाई छटाई की जाए लोगों की ताड़ना की जाए लोगों के जीवन में से गंदगी निकाली जाए जैसे चांदी को ताया जाता है ना चांदी को वैसे आपका जीवन कलाम से ताया जाए ताकि आपके जीवन से गंदगी बाहर निकले फॉर <coughs> करेक्शन आपको ठीक किया जाए करेक्ट किया जाए सीधे मार्ग पे चलाया जाए इसलिए कलाम दिया गया एंड फॉर ट्रेनिंग इन राइट और हमारी ट्रेनिंग की जाए ट्रेनिंग कराता है कलाम ट्रेनिंग मॉड्यूल है ये हम्म ये कलाम का काम है ट्रेनिंग कराए हमारी क्या करे शिक्षा दे हमें रिप्रूव करे हम्म हमारी कटाई शटाई करे हमें करेक्शन करे हमें डिसिप्लिन में लेके आए हमारे जीवन से कमियां घटियां गंदगी दूर करे हमारी राइचियसनेस में ट्रेनिंग करे फिर सत्रह वचन दैट द मैन ऑफ गॉड मे बी कंप्लीट ताकि एक खुदा का बंदा कंप्लीट हो जाए कैसे कंप्लीट होंगे आप ये कलाम के द्वारा ये कलाम की ये जो खिदमत है ना टीचिंग की रिप्रूफ की करेक्शन की ट्रेनिंग इन राइचियसनेस चार आस्पेक्ट हैं इसके ये कलाम आपकी छिलाई करेगा धुलाई करेगा कटाई करेगा साफ करेगा आपको रिब्यूक करेगा आपकी शिक्षा देगा आपको एडमोनिश भी करेगा आपको इनकरेज भी करेगा आपको ट्रेन करेगा राइटिसमस में यह काम है इस कलाम का तो आज तो ये काम होता ही नहीं है इस कलाम से आज तो प्रोफेसर पापा है बरकतें मिलने जा रही हैं आपके ऊपर शीशे खुलने जा रही हैं आपके जीवन में ये होने जा रहा है आपके जीवन में वो होने जा रहा है मैं आपके लिए डिक्री करता हूं मैं आपके लिए प्रोफेसाइ करता हूं ये काम कर रहा है कलाम ये जो यहां पे लिखा है एब्सल्यूटली नहीं कर रहा क्योंकि ये जो पादरी बोल रहे हैं ये जो प्रॉफिट बोल रहे हैं पॉसल बोल रहे हैं ये होवा से ही नहीं रहे ये अपने मन से बोल रहे हैं ये अच्छी अच्छी भली भली बातें बोल रहे हैं आप लोगों को खुश करने के लिए आप कभी भी जो सत्रह वचन में लिखा है ना सेकंड त्रिमथी थ्री सेवनटीन दैट द मैन ऑफ गॉड मे बी कंप्लीट इक्विप्ड फॉर एवरी गुड वर्ड आपको कामिल करेगा कलाम और खुदाबंद के कलाम के लिए तैयार करेगा अगर आप मोटिवेशनल प्रीचिंग सुन रहे हैं एनकरेजमेंट सुनना चाहते हैं अगर आप साइकोलॉजी सुनना साइकोलॉजी प्रीच कर रहे हैं अमेरिकन प्रीचर अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर मैसेज सुनना चाहते हैं अगर आप भाई और बहनों लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किताब है पढ़ लीजिएगा वो वो प्रीच कर रहे हैं पादरी ब्लेंड कर करके ये है ऑफ़ डीम दो चीजें हैं बाइबल में एक है डॉक्ट्रिन ऑफ मैन मनुष्यों की शिक्षा दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ डीमंस बदरुओं की शिक्षा ये दोनों दी जा रही हैं और लोग धड़ाधड़ -धर जा रहे हैं सुनने के लिए लेने के लिए क्यों क्योंकि ये पादरियों ने कलीसिया को शारीरिक बनाया है संसारिक बनाया है यीशु मसीह कलीसिया को संसार में से निकालने आया है प्रेरित कलीसिया को संसार में से निकाल रहे थे सच्ची शिक्षा के द्वारा और तैयार कर रहे थे लोग खुदावन के लोग कंप्लीट हों इक्विप हों ताकि वो खुदावन का काम करें ये मिनिस्ट्री है खुदावंत के कलाम की क्या यह मिनिस्ट्री आपको मिल रही है नहीं है जब कलाम आएगा ना भाई और बहनों सच्चा तो आपको ऐसा लगेगा जैसे खुदावंत फिर सांस आपके ऊपर फूक रहा है यह है सच्चे कलाम की कुदरत यहुन्ना रचित सुसमाचार छे अध्याय का 63 वचन पढ़ लीजिएगा ये होना छह तिरसठ वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उसका लेटर पार्ट में यीशु मसीह कहते हैं द आई हैव स्पोकन जो शब्द मैंने बोले हैं जो कलाम मैंने बोला है दे आर द स्पिरिट एंड दे आर द लाइफ मेरे मुंह से निकलने वाला कलाम आत्मा है और जीवन है यीशु मसीह के मुंह में से निकलने वाला कलाम रिलीजियस डिस्कोर्स नहीं है धार्मिक प्रवचन नहीं है यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाला कलाम जिंदा कलाम है आले <coughs> लुहिया तो पढ़िए इब्रानियों की पत्री में आइए इब्रानियों की पत्री हालेलुया लुहिया चार अध्याय जहां से मैं शुरू कर रहा था लेट देयर फोर्स स्ट्राइव टू एंटर द रेस्ट आओ हम यत्न करें कि आराम में घुसें आपको मालूम ये जो रेस्ट है ये आराम है ये आराम है जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ सेल्व हाले नाउ द सैबथ इज अ पर्सन द सैबथ इज जीसस क्राइस्ट ऑफ नैज मैं आई आई ऑनर पीपल हु कीप सैबथ आई हैव नो प्रॉब्लम विद देम जो सबैटिकल रखते हैं बट लेट मी टेल यू जीज नाउ द सेब इज अ पर्सन सेबैटस मॉस एक अलग वर्ड है लेकिन न्यू टेस्टामेंट में जो दूसरा वर्ड यूज हुआ वह है कॉल पास हर <coughs> हैबद के ऊपर हम सीरीज करेंगे चार पांच सेशन की सीरीज करेंगे <laughs> तो सुनिए इब्रानियों इब्रानियोचार की ग्यारह में लिखा लेटेस देयर फोर्स ट्राइव टू एंटर दैट रेस्ट सो दैट नो मैन में फॉल बाय द सेम सॉर्ट ऑफ डिस अन्य कार्य क्यों गिर गए इसराइली इसराइल की इतनी बड़ी कलीसिया निकली मिसर में से तीस लाख लोगों की चर्च थी उनके पास्टर जैसा पास्टर कोई नहीं होगा मूसा उनका पास्टर था फिर भी केवल दो लोग कनान में पहुंचे जो और कालेब बाकी कोई नहीं पहुंचा डिसोबीडियंस <coughs> hmm? अब पढ़ें बारह वचन एक्सक्यूज इब्रानी बारह किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है? फॉर द वर्ड ऑफ गॉड इज लिविंग जिस कॉन्टेक्स्ट में डिसबीडियंस की बात हो रही है जिस कॉन्टेक्स्ट में सैबद को मिस करने की बात हो रही है उस कॉन्टेक्स्ट में इब्रानी लिखने वाला कह रहा है फॉर द वर्ड ऑफ गॉड इज लिविंग परमेश्वर का कलाम कैसा है क्विक क्विक लिखा है लिविंग क्विक का मतलब जिंदा है ना केवल जिंदा है बल्कि खुदा के कलाम में ऐसी कुदरत है जिसको छू जाता है उसको जिंदा कर देता है खुदा के कलाम के अंदर जो लाइफ है जीवन है जोए काइंड लाइफ है जोए मैंने आपको कई बार बताया बाइबल में दो तरह लाइफ के लिए दो वर्ल्ड हैं एक है बायो दूसरा है जोए बायोस से वर्ड निकलता बायोलॉजी बायोस वो जीवन है जो मां की कोख में पैदा होता है बायोस वो लाइफ है जो पिता के स्पर्म से और माता के एग से दोनों के मिलाप से पैदा होती है बायोलॉजिकल लाइफ ये जो बायोस है ये इसके ऊपर एक्सपायरी टैग लगा हुआ है बायोस लाइफ की शुरुआत है और बायोस लाइफ खत्म हो जाती है लेकिन एक लाइफ है जो लाइफ यहोवा जी रहा है इस समय स्वर्ग में यहोवा परमेश्वर जो लाइफ जी रहा है इस समय स्वर्ग में सभी जितने स्वर्ग के हैं लोग जो जीवन जी रहे हैं वो जो जीवन है वो है जोए काइंड लाइफ ई जोई काइंड लाइफ वो है अनंत जीवन <clears throat> यहोवा के कलाम में अनंत जीवन है यहोवा के कलाम में स्वर्गीय जीवन है हेवनली लाइफ है जोए तो वर्ड ऑफ गॉड जब आएगा जिस जिस चीज को छुएगा, उसे जिंदा कर देगा और दूसरा है क्विक लि, एंड लिविंग यहां पे लिखा है वर्ड ऑफ गॉड इज लिविंग एंड एक्टिव वर्ड ऑफ गॉड क्या है लिविंग है एंड एक्टिव है हाल ये जो कलाम मैं आपसे बोल रहा हूं ये लिविंग है भाई और बहनों ये पैसिव नहीं है ये एक्टिव है ये चार्ज अप है क्विक एंड लिविंग और क्या लिखा है एंड शार्पर देन एनी टू ए जिड सोड किसी भी दोधारी तलवार से तीखा है दोधारी तलवार नहीं है कलाम दो धारी तलवार से भी तेज है तो तीन ये जो वचन लिखे गए हैं इनमें क्या लिखा गया परमेश्वर के कलाम की खासियत लिखी गई है हम्म क्या खासियत है कि परमेश्वर का कलाम जिंदा है और जिंदा करता है जब आएगा ना परमेश्वर का कलाम आपके रोंगटे खड़े होंगे आपके अंदर एक अद्भुत खुशी आ जाएगी आनंद आ जाएगा आपकी गट में कुछ होने लगेगा डीप इन स्टर स्टर एक जॉय बबल करने लगेगा आनंद और ये एक्टिव एंड एक्टिव प्रेजेंस ऑफ गॉड है एक्टिव पावर है एक्टिव एनर्जी है परमेश्वर का क्राम और दोधारी तलवार से चोखा है क्या काम करता ियर सिंह टू द डिविजन ऑफ सोल एंड स्पिरिट आपकी आत्मा को आपकी जान से अलग करेगा बहुत सारे मसीह लोगों को आत्मा और जान स्पिरिट एंड सोल दोनों का भेद नहीं मालूम हाल प्रभु का वचन आपको मालूम क्या कहता है कुरुथियों की पत्नी में कहता है सो अब जो कोई यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है पुरानी बातें बीत तो गई देखो तो ये जो नई सृष्टि है ग्रीक वर्ड है, कैनोस के आपको जब प्रभु कहता आप नई सृष्टि हो नई के लिए, लिए वर्ड है उसका मतलब है बिल्कुल ऐसी के निकल रही है जिसको अभी किसी ने यूज ही नहीं किया जब प्रभु आपको मुझे नया करता है ऐसा ब्रांड न्यू बनाता है कि हमें शैतान ने छुआ भी नहीं है यह है न्यू क्रिएशन तो जो मसीह में है वो नई नई सृष्टि है न्यू क्रिएशन है तो ये नई सृष्टि कहां घटती है ये नई सृष्टि भाई और बहनों आपकी आत्मा में होती है आत्मा में आपकी आत्मा में आप नए हो गए हो आपकी सोल अभी पूरी तरह नई नहीं, नहीं हुई इसीलिए जब आप आत्मा में जाते हो अन्य भाषा से भरते हो आत्मा में सब कुछ बदल जाता है फिर आप आत्मा से निकल के संसार की दुनिया में आते हो फिर आपके अंदर वही ख्याल आने लगते हैं संसारिक वही लालच के फरेब के मक्कारी के ख्याल आते हैं ठगी के चोरी के वही जनाकारी के हरामकारी के लुच के ख्याल आने लगते हैं क्योंकि सोल इब्रानी अगर आप पढ़ेंगे ना यकूब की पत्री पहला अध्याय इक्कीस वचन वहाँ पे लिखा है परमेश्वर के कलाम को बड़ी दीनता से अपने अंदर ले लो जो तुम्हारे दिलों में बोया है गया इनग्राफ्टेड वर्ड लिखा है इनग्राफ्टेड का मतलब होता है जैसे आप एक अंगूर की बेल की टहनी काट लें या आप रोज की एक टहनी काटें और उसे मिट्टी में लगा दें तो वो फलवंत हो जाएगी उसमें से पौधा निकल आएगा वो इन ग्राफ्ट लाइफ है उसके अंदर और उनके अंदर कोई चीज आप लगा देते हो ना उन दरख्तों के अंदर उन टहनी लगा दे वो टहनी भी पलपने लगेगी उसके अंदर तो परमेश्वर के कलाम को ले लो यकूब एक की इक्कीस पढ़ लीजिए जो तुम्हारे दिलों में बोया गया जो तुम्हारी जानों को बचा सकता है विच कैन सेव योर सोल मतलब से सोल अभी मुकम्मल तौर पर सेव नहीं हुए जो हमारी मुक्ति का एक एस्पेक्ट है वो अब प्रेजेंट में चल रहा है वो यही है आपको अपनी जान को नया करना है डेली अपनी सोचों को नया करना है आपको परमेश्वर की सोचें सोचनी है परमेश्वर का ख्याल परमेश्वर के विचार इसलिए कलाम का आपकी जान में भरे जाना बहुत जरूरी है प्रतिदिन तो देखिए दो हरी तलवार से चोखा है कलाम तो क्या करता है ये ये आपकी जान को अलग करता है आपकी जान को रूह से सोल को स्पिरिट से जब कलाम आएगा भाइयों बहनों तब आपको पता लगेगा आपकी जान क्या बोल रही है आपकी जान गलत बातें बोलती है आपकी जान शारीरिक बातें बोलती है आपका आत्मा जिसने नया जन्म पाया है उसके अंदर परमेश्वर की नेचर आ गई है परमेश्वर का स्वभाव आ गया है लेकिन अगर आपकी जो सो आपकी जो आत्मा है जिसने नया जन्म पाया है उस आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी वास करेगी इसलिए आपको रोज रोज पवित्र आत्मा से भरना है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको मिला <to> <Chicken> परंतु आपको पवित्र आत्मा से भरना है डेली समझ रहे आप अगर आप जैसे आपके घर में आर लगा है पानी का फिल्टर लगा है जैसे आर आप समझते होंगे आर में आपने एक पाइप डाली हुई है पानी की आपके घर की टंकी से या किसी भी सोर्स से पानी जा रहा है उस आर के अंदर और वो उसके अंदर से सारे हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस निकाल रहा है बैक्टीरिया वायरस फंगस निकाल रहा है उसे शुद्ध कर रहा है पानी को उसके अंदर बहुत सारे आ, क्या कहते हैं एक एक सिस्टम लगा हुआ पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और मेम्ब्रेन लगे हुए हैं उसके अंदर उन मेम्ब्रेन में से दो तीन चार जितने भी होते हैं लगे पहले एक मेम्ब्रेन में पानी जा रहा है वो से साफ कर रहा है फिर दूसरा साफ कर रहा है फिर तीसरा साफ कर रहा है फिर किसी जगह एडेड मिनरल लगे हैं वो उसके अंदर मिक्स हो रहे हैं फिर पानी बाहर आ रहा है अब जरा कल्पना करें आपके आरओ को जो पानी गंदा जा रहा है अगर उसकी सप्लाई बंद हो जाएगी तो आरओ कहां से आपको शुद्ध पानी देगा नहीं देगा सप्लाई कांस्टेंट चाहिए लोग पवित्र आत्मा से अभी शिक्षा नहीं है अभी शिक्षा कुछ और मिल रही है बड़ा मीन बड़ी बरकत गाड़ी लो बंगला लो कार लो वीजे लगवाओ ये करो वो करो अभी पहले समय जब मैं प्रभु में आया तीस वर्ष पहले तब सबसे ज़्यादा परमेश्वर के दास लोग लोगों को सिखाते थे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पवित्र आत्मा की भरपूरी पवित्र आत्मा में भरना पवित्र आत्मा की कुवत में प्रार्थना करना ये सिखाया जाता था पाप से कैसे पाप के ऊपर जैवंत जीवन जीना है शरीर की वासनाओं के ऊपर कैसे विजयी होना है गंदे काम गंदी बातें गंदे विचार गंदे मार्गों में से गंदे कामों में से छुटके कैसे मसीह के चरित्र में बढ़ना है मसीह जैसे स्वभाव मसीह जैसा डील डॉल, मसीह जैसा चाल चलन ये शिक्षा होती थी पहले अब नहीं है ये शिक्षा समझ रहे हैं आप देखिए कहाँ से कहाँ ये झूठे पापा डैडी झूठे प्रेरित झूठे नबी किधर ले गए खींच के खुदावंद की सच्ची कली से अब इन्हें इसका जवाब इस इन्हें इसकी सजा भी मिलेगी अवश्य मिलेगी और इन्हें परमेश्वर को जवाब देना पड़ेगा फॉल्स डॉक्ट्रिन के लिए झूठी शिक्षाओं के लिए इतना इजी नहीं है ये वाहवाही लूट लेना हजारों लोग आपके पीछे और आप, आप सेलिब्रिटी बन के घूम रहे हो अगर आप गलत प्रभु का काम कर रहे हो तो आपका बैंड बजेगा आले तो प्रभु का कलाम आपके अंदर आके काम करेगा आपकी आत्मा और आपकी जान को अलग करेगा आपके आप आपकी सोचों को बदलेगा आपके जीवन के जीने का ढंग बदलेगा कलाम ये कलाम की कुदरत का काम है फिर कलाम क्या करता है जॉइंट एंड मैरो ज्वाइंट समझते हैं आपके जोड़ जो हैं जो छोटे छोटे जोड़ हैं आपके वहाँ पे जाएगा और मैरो बोन एंड मैरो हड्डियों में जाएगा और मैरो आपको मालूम क्या है मैरो होता है जो जैसे आप बकरे का मीट खाते हो ना उसकी हड्डी टांग की उसे फिर चूसते हो करके उसके अंदर से बड़ा बढ़िया सा सॉफ्ट सा मटीरियल निकलता है वो मैरो होता है कलाम आपकी सबसे पहले काम क्या करेगा आपकी सोल को आपकी जो साइकिक लाइफ है जहां पे आपके विचार पैदा होते हैं जहां पे आपकी कामनाएं पैदा होती हैं जहां पे आपकी एक खाब आपके आपके अंदर एक कोठरी है जहाँ पे ख्वाब पनपते हैं सबकॉन्श माइंड है आपका एक विवेक है गहरा अंदर जहां पे आपके ख्याल बनते हैं ख्वाब बनते हैं जहां पे आपकी तमन्नाएं आरजू जन्म लेती है डिजायर है जहां पे उन जगहों को कलाम धोता है शुद्ध करता है हुँ? फिर आपकी आत्मा के अंदर घुसता है कलाम फिर आपके जोड़ जोड़ में जाता है और फाइनली कलाम कहां जाके बैठ जाता है आपकी बोन मैरो में हड्डी के अंदर जो चीज होती है ना वहां कलाम रहता है हाल अगर आप कलाम से प्यार करते हो अगर आप पवित्र जीवन जीते हो प्रभु के पीछे चलते हो और क्या लिखा एंड डिसर्निंग द थॉट्स एंड इंटेंशन ऑफ हार्ट दो चीजें हैं आपकी सोल के अंदर आपकी जान में विचार आते हैं कल्पनाएं आती हैं भावनाएं आती हैं ड्रीम आते हैं ख्वाब गए अंदर कलाम उसको परख रहा है इस समय भी परख रहा है आपको कलाम आपकी सोल में जो ख्याल विचार है और इंटेंशन ऑफ आर्ट आपके दिल के अंदर जो इरादे हैं उनको भी कलाम परख रहा है तो कलाम ये काम करता है आपके अंदर आपको परखेगा जो गंदा ख्याल होगा गंदे विचार होंगे वो आपको दिखाएगा कई बार मुझे ऐसा होता है अचानक कलाम मेरे अंदर बातें करता है मुझे पता भी नहीं होता है कि ये चीज गलत होती है मेरे जीवन में कलाम ऐसे बोल के मुझे प्रकट करता है मैं उसी समय क्षमा मांगता हूं, प्रभु से तवा करता हूं अंदर ही अंदर इंटरनली ये काम कलाम करता है आप अंदर ही अंदर बातें करते हो मैं चलता फिरता अंदर ही अंदर कलाम बोलता रहता हूं प्रभु मेरे से बोलता रहता है मुझे एंजल्स सुनते रहते हैं एंजल्स बोल रहे हैं मैं हेवनली रेल में होता हूं बाइक चला रहा होता हूं जा रहा होता हूं कुछ काम पे तो ऐसा जीवन चाहिए जब आप कलाम में लिपटे रहें 24/7 आप फिक्रों से ना जकड़े रहें कि जी ये काम कैसे होगा वो पैसे कहां से आएंगे वो कारोबार कैसे चलेगा ये घर का कैसे बनेगा बिल कैसे दिए जाएंगे वो कैसे इनसे ऊपर उठा लेगा प्रभु आपको अगर आप सचमुच में खुदावंद के कलाम के संग मोहब्बत करेंगे हाल ले तो कलाम ये वार्निंग की किताब है इब्रानी ये सब वार्निंग लिखी गई यहां पे सुन लीजिए ध्यान से ये भी वार्निंग का हिस्सा है प्रभु बात करता है फेथलेसनेस ईमान का ना होना डिसोबीडियंस अनाज्ञाकारिता प्रभु कहता है फेथलेस डिसोबीडियंस विल नॉट गो अनोटिस्ड ये जो वचन मैंने पढ़ा आपके लिए सुना ना आपने वचन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड इज क्विक एंड पावरफुल इब्रानी चार की बारह ये एक वार्निंग है प्रभु कह रहा है फेथलेस डिसोबीडियंस विल नॉट गो अनोटिस्ड वर्ड ऑफ गॉड इज एक्चुअली खुदा का कलाम सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है आपके अंदर यह सीसीटीवी कैमरा है आपके अंदर जांच कर रहा है पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी हाली तो क्या लिखा है कलाम में हुँ? खुदावंद का कलाम जो है यहाँ पे आपके अंदर खुदावंद की पर्सनल अटरेंस है लिविंग एक्टिव चार पियर्सिंग डिसर्निंग ये जो शब्द लिखे गए हैं ना दीज आर लाइक द आईज ऑफ द लॉर्ड लिविंग एक्टिव पियर्सिंग डिसर्निंग जिंदा है और ताकतवर है शक्तिशाली है काटता है छांटता है विचारों को जांचता है ये यहोवा की आंखें हैं जो आपको देख रही हैं कलाम के द्वारा आपके अंदर क्या क्या देख रहा है आपके अंदरूनी व्यक्ति तब इनर मोस्ट थॉट्स इंटेंशन आपके अंदरूनी ख्याल विचार अब किस तरफ किस चीज की तरफ भाग रहे हो आप पैसे की ओर बिजनेस की ओर कारोबार की ओर संसारिक चीजों की ओर मटेरियल चीजों की ओर गाड़ी बंगला हुँ? और जमीन और थोड़ा सा पैसा और बैंक में बैलेंस और संसार की लग्जरी की चीजें इनके पीछे भाग रहे हो ये कलाम वार्निंग दे रहा आपको पढ़ लीजिए हाल सब कुछ उसके आगे नंगा पड़ा हुआ है हर एक चीज बेपर्दा है ये तो हमने घर बना के सोच रहा कि हम छिपे हुए हैं घरों के अंदर खुदांद के आगे हर एक चीज बेपर्दा है नेकेड है यहां पे लिखा है तेरा वचन में नो क्रीचर इज हिडन फ्रॉम साइट ये सब वार्निंग है कोई क्रीचर यहोवा की आंख से छिपा नहीं है बट ऑल आर नेकेड एंड एक्सपोज टू आईज ऑफ हिम टू होम वी मस्ट गिव एन अकाउंट सब कुछ उसकी आंखों के आगे बेपर्दा है वो सब कुछ देख रहा है जिसको आपने और मैंने अकाउंट देना है बहुत सारे मसीह लोग ऐसे जीते हैं जो सोचते हैं देर इज नो अकाउंटेबिलिटी कोई जवाब तो देना ही नहीं है कोई जिम्मेदारी तो है ही नहीं मैं सेवक हूं मेरी जिम्मेदारी है जिस जिस कैपेसिटी में प्रभु ने हमें रखा है आपको मालूम जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है उसके लिहाज से प्रभु हमारा हिसाब करेगा जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी है भाई और बहनों हाल ही Hallelujah. तो क्या कहता है इब्रानी लिखने वाला कहता है हमें अकाउंट देना पड़ेगा अब इसका चौदाह वचन पढ़े सिंस देन वी हैव ए ग्रेट हाई प्रीस्ट अस होल्ड फास्ट अवर कन्फेशन हमारा महायाजक है स्वर्ग में उसका नाम है यीशु मसीह जो बाप के दाहिने हाथ है तो हम अपने मुंह के अंगीकार को थामे हुँ? क्या है यह कन्फेशन ये, ये मुंह कांगीकार है जो हम परमेश्वर के कलाम को बोलते हैं वो ही बोले अपने मुंह से अपने मुंह से नेगेटिव बातें मत बोलिए अपने मुंह से एक, श, एक शारीरिक इंसान की तरह एक कार्नल व्यक्ति शारीरिक इंसान जब शारीरिक बातें बोलता है दुनियादारी की बातें बोलता है संसार की बातें वैसे मत बोले आप आप बोले खुदावंत का कलाम क्योंकि आपके मुंह से जो कलाम आप बोल रहे हैं उस कलाम वो कलाम यीशु मसीह के आगे जा रहा है इज़ द हाई प्रीस्ट ऑफ अवर कन्फेशन वो महायाजक है आपके मुंह से निकलने वाले शब्दों का जो आप मुंह से नीचे बोल रहे हैं उसे स्वर्ग में यीशु मसीह पिता के आगे प्रेजेंट कर रहा है हालेलुया तो क्या करना है हमें हमने कलाम से भरना है परमेश्वर के सच्चे और जिंदा कलाम से भरना है परमेश्वर के सच्चे और जिंदा कलाम से अपना दिल भरना है अपनी रूह भरनी है परमेश्वर के सच्चे और जिंदा कलाम से अपना मुंह भरना है परमेश्वर के सच्चे और जिंदा कलाम को ही बोलना है भाई और बहनों अपने हालातों को मत बोलिए आपके हालात परमानेंट नहीं है अपनी बीमारी मत बोलिए मुंह से आपकी बीमारी परमानेंट थोड़ा है आपकी बीमारी कोई रियालिटी नहीं है अपनी मुसीबतें परेशानियाँ मत बोलिए मुंह से आपकी मुसीबतें परेशानियाँ दुख तकलीफें ये परमानेंट नहीं है इटरनल नहीं है ये सत्य नहीं है ये शैडो है सब बीमारी भी एक शैडो है दुख मुसीबत परेशानी एक परेशानी की मानिंद है ये ये इटरनल नहीं है अनंत नहीं है अनंत इटरनल कभी ना बदलने वाला केवल खुदाबंद का कलाम है इसलिए कलाम बोलें आपको मालूम बहुत सारे लोग क्या करते हैं जब आपके जीवन में परेशानी आती है मुसीबत आती है आप अपनी परेशानी में से बोलना शुरू करते हो जब डॉक्टर आपको बुरी रिपोर्ट देते हैं आप डरते हो और आप बीमारी में से बोलना शुरू कर देते हो भाई और बहनों ऐसा मत कीजिए कलाम में लिखा है बिकॉज आई बिलीव्ड देयर फॉर आई हैव स्पोकन क्योंकि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं विश्वास में से बोला हूँ स्पीक आउट ऑफ योर फेथ डोंट स्पीक आउट ऑफ योर सर्कमस्टेंसेज डोंट स्पीक आउट ऑफ योर सिकनेस एंड डिजीज डोंट स्पीक आउट ऑफ योर करंट सिचुएशन डोंट स्पीक आउट ऑफ योर एनवायरमेंट स्पीक आउट ऑफ फेथ स्पीक आउट ऑफ योर हार्ट दैट इज फुल फुल ऑफ फेथ योर हार्ट दैट हेज बिलीव्ड इन द लोड ईमान में से बोले नेचा में से बोले अगर आप विश्वास में से बोलेंगे ईमान से बोलेंगे ईमान के बीच में से बोलना है समझ रहे मेरी बात आप आपके हालात बदलने शुरू हो जाएंगे परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाएंगी यीशु मसीह क्या कर रहा है स्वर्ग में आपके मुंह का अंगीकार जो है ना उसे पिता के आगे पेश कर रहा है आप बोल रहे हो ना कि आप डॉक्टर ने बोला आपको बीमारी है रोग है ये है वो है रिपोर्टें आपके फेवर में नहीं है ठीक है आपके पास है वो रिपोर्टें आपकी बॉडी में लक्षण दिख रहे हैं बीमारी के ओके और राइट तो जो रिपोर्ट आपको दी गई और जो आपकी दे आपका शरीर बता रहा है लक्षण दे के ये क्या है क्या ये ट्रूथ है सत्य है एब्सोल्युटली नहीं सुने ध्यान से दो चीजें हैं एक है फैक्ट और एक है ट्रूथ फैक्ट का मतलब होता है तथ्य ये फैक्ट है हो सकता है कि आपको शुगर हो गई है ये फैक्ट हो सकता है कि आपको हार्ट का डिजीज हो गया है फैक्ट है ये लेकिन इस फैक्ट को लेके आना आपने ट्रूथ के नीचे ट्रूथ सत्य है, कौन है यहोवा का कलाम है सत्य है प्रभु यीशु मसीह सत्य का देधारीकरण है जो फैक्ट है डॉक्टर का वो कह रहा है आपको डायबिटीज हो गया है आपको हार्ट डिजीज हो गया है आपको बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया है जो फैक्ट है डॉक्टर का वो ये बता रहा है आपकी डिस्क के अंदर प्रॉब्लम है फैक्ट बता रहा है आपको रीनल प्रॉब्लम है गुर्दों की फैक्ट बता रहा आपको है आपको शिंगल्स हो गए हैं फैक्ट बता रहा आपका है आपका डाइजेस्टिव ट्रैक खराब है फैक्ट बता रहा आपके लीवर लीवर डैमेज है आपको लंग्स की प्रॉब्लम ये फैक्ट है लेकिन इस फैक्ट को आप ट्रूथ के नीचे सत्य के नीचे लेकर आइए सत्य क्या है सत्य ये है कि यीशु मसीह के मार खाने से हम चंगे हुए हैं। सत्य है ये हेवनली ट्रूथ है और यह कभी भी बदलता नहीं है भाई और बहनों फैक्ट बदलता है फैक्ट चेंज हो जाएगा जब सत्य के साथ आप अपनी बॉडी को बांधना शुरू करेंगे रोज आप बोलेंगे हे हे परमेश्वर वो तेरे सब पापों को क्षमा करता है तेरी बदकारी को माफ करता है तेरे सारे लोगों से तुझे चंगा करता है जब आप अंगीकार करेंगे क्या लिखा है इबरानियों चार की पंद्रह सोलह जो हम पढ़ रहे हैं क्या लिखा है यहां पे लिखा है जीसस क्राइस्ट इज द हाई प्रीस्ट ऑफ अवर कन्फेशन यीशु मसीह पिता के दायने हाथ महायाजक की सेवकाई कर रहा है और वो पिता को क्या दे रहा है क्या चढ़ा रहा आपके मुंह में से निकलने वाला अंगीकार हालेलुया भाई और बहनों फैक्ट बदलेगा ये फैक्ट है कि आपके घर में पैसे की किल्लत है ये फैक्ट है कि आपकी औलाद अभी है, ये फैक्ट है कि आपकी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम है लेकिन आप कलाम ले लीजिए इसे अंगीकार करना शुरू कीजिए इसे बारंबार बोलना शुरू कीजिए उधर पिता के दाहिने हाथ बैठा नासरी आपके मुंह के अंगीकार को पिता के आगे पेश करेगा ट्रूथ ट्रूथ भाई और बहनों सत्य फैक्ट से हायर डायमेंशन है इस जमीन के ऊपर जो फैक्ट है ना वो हेवन के ट्रूथ के नीचे हैं तब्दील हो जाएंगे बीमारी के जो तथ्य निकाले ना डॉक्टरों ने फैक्ट वो बदल जाएंगे आपके हालातों के जो फैक्ट है वो बदल जाएंगे आपने कलाम को बोलना है मुंह से आपकी सोल के अंदर भी कलाम चाहिए आपकी आत्मा में भी सोल और स्पिरिट में और जान में कलाम चाहिए आपकी जोड़ों के अंदर कलाम चाहिए गुदे के अंदर कलाम चाहिए यह जीवन है कलाम यह जीवन है कलाम हमारा महायाजक यीशु मसीह जब हम कलाम बोलते हैं यह हमारे जीवन मेरे अंदर से निकलता है कलाम मैं खड़ा हो जाता हूं अंदर से झरना मैंने लगता है तीन घंटे चार घंटे पांच में दस घंटे लगातार प्रचार कर सकता हूं मैं अपनी खूबी बताने के लिए बात आपको नहीं बता रहा हूं मैं यह होवा के कलाम की खूबी बताने के लिए बात बता रहा हूं जिनको यह होवा चुनेगा जिन पे दया करेगा अपने कलाम से भर देगा हाल लुइया भर जाइए उसके कलाम से भाई और बहनों हाल लुइया हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए लॉर्ड लेट योर पीपल स्पीक द वर्ल्ड लेट योर पीपल नेवर स्पीक दियर फ्रस्ट्रेशन let your people never speak their depression. let your speak, people never speak the disappointment, rejection, the betrayal that they have gone through life, bad things that have happened to them, relationships that have turned sour, expectations that were dashed like pottery to the ground, hopes that were dismayed, dreams that were shattered. let your people not speak all these things. Let them speak your word. Let them confess the word. Hallelujah. For you are the high priest of our confession. You stand at the right hand. You sit at the right hand of the Father and you present to the Father a confession. Hamare muke angikar. Hamare musetrakalam niklechudavan. Hallelujah. May ekek online. एक एक जन को खुदावन तेरे खून में छिपाता हूँ तेरा ब्लड छिड़कता हूँ एक एक के ऊपर इनके मुंह भर जाए तेरे कलाम से और इनके दिल भर जाए तेरे कलाम से हथौड़ा है तेरा क़लाम, मोहब्बत है तेरा क़लाम, हथौड़ा है तेरा कलाम मोहब्बत है तेरा कलाम जीना सिखाए आग लगाए भट्टी में ताए कलाम भट्टी में ताए कलाम हथौड़ा है तेरा कलाम यस्ु जी मोहब्बत है तेरा कलाम थैंक यू जीजस आज इलेवन ओ क्लॉक एक पास्टर सेमिनार है उसके बाद शाम की भी एक सभा है गई प्लीज़ प्लीज़ दुआ कीजिएगा आज की मीटिंग के लिए खुदावंद मुझे अपना कलाम दे और खुदावंद की हजूरी हमारे दरमियान आए मीटिंग के लिए प्रार्थना कीजिएगा कल भी मीटिंग है एक बड़ी मीटिंग है और कल हम कुछ विडोज़ की हेल्प भी करने जा रहे हैं कुछ अनाथ बच्चों की और आज पास्टर्स लोग इकट्ठा होंगे जिन्हें वी विल फीड देम कुक एंड विल कुक द फूड एंड टेक फॉर देम तो प्रार्थना कीजिएगा कल भी सभा है और विडोज़ के लिए ऑपरेशन अहावा विडोज और ऑर्फन के लिए हम पूरा ये महीना अगला महीना करते रहेंगे आप सब जिन्होंने बोया इस काम के लिए खुदावंद आप सबको स्वर्ग से सौ गुना बरकत लौटाए प्लस करे आप सबको हाल ले हाल खुदावंद का जलाली नाम ऊँचा हो और आज के दिन आपको बहुत बरकत मिले तो भाई और बहनों प्रार्थना कीजिएगा आज दिन में तो उस मीटिंग के लिए मैं आपके संग कनेक्ट हो जाऊंगा प्रभु खुदाऊद आपको बरकत दे सबको जय मसीह